शेफ। मूवी अच्छी है, काफ़ी प्यारी है, सबको देखनी चाहिए एक बार। शुरुआत अच्छी हुई जब वो आते हैं अपने परिवार के साथ, थोड़ा समय बिताते हैं, बीच में थोड़ा लगता है लंबी हो गई, बट पूरी तरह से प्यारी मूवी है। सैफ की एक्टिंग अच्छी है और उनको ऐसे रोल्स में भी अगर हो तो ज़्यादा करे तो बेहतर होगा एक हीरो के अलावा। सॉन्ग्स है अच्छे हैं, थोड़े हैं, तीन चार सॉन्ग्स हैं और अच्छे। इतनी ज़्यादा नहीं पर ठीक है, चलता। 3 स्टार। सैफ कैसी लगी मूवी? है ठीक ठाक है, जैसे भी है। सैफ की एक्टिंग किस तरह की लगी? है एक्टिंग सही है, देखने में अच्छा लगा और है कहानी भी सही है उसकी, ठीक ही है। और गाने किस तरह के? गाने भी हैं ठीक ठाक, इतने भी इतने ही पर हैं, सही है जो भी हैं। सब अभी 3। देखिए आपने फिल्म कैसी लगी? अच्छी थी मूवी, इट्स मेनली अबाउट फादर एंड सन एंड द रिलेशनशिप हाउ दे डेवलप, नथिंग एल्स, इट्स अ गुड मूवी। हाउ वाज सैफ अली खान्स परफॉर्मेंस? या लाइक ही प्लेड द रोल ऑफ फादर वेरी नाइस, आई थिंक देयर वाज अ डेवलपमेंट इन हिज रोल, लाइक फर्स्ट ही स्टूड ओनली सिंगल फिल्म्स, ओनली लवर्स एंड ऑल, बट नाउ ही हैज डेवलप्ड हिज रोल, नथिंग एल्स, इट वाज फाइन। Out of 5, I think I will give 3.5, maybe 4. Thank you. शेफ फिल्म बहुत प्यारी है, सैफ एज अ शेफ बहुत सूट हुए हैं, बहुत कन्विंसिंग है। राजा कृष्ण मेनन से मुझे उम्मीदें थी क्योंकि एयरलिफ्ट बहुत प्यारी इन्होंने फिल्म बनाई थी और जिस तरह से शेफ में उन्होंने डायरेक्शन किया बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कन्विंसिंग है। द वे सैफ अली खान अपने फादर एज अ फादर सन की बॉन्डिंग, एक्स वाइफ के साथ जो डिवोर्स्ड हैं उनके साथ बॉन्डिंग, बहुत अच्छा, बहुत सटल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर इज वेरी गुड, द फिल्म इज़ गुड। सॉन्ग यू नो आप कैसे फिल्म के साथ घुल जाते हैं, ऐसा नहीं आपको आउटस्टैंडिंग सॉन्ग्स लगेंगे। रघु दीक्षित का बीच में एक सॉन्ग है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सारे सॉन्ग फिल्म के साथ फ्लो में चला जाता है। 3.5। जी बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी मूवी थी, अमेरिकन मूवी जो है शेफ, उसका ये रीमेक था और काफ़ी अच्छी तरह से ये रीमेक किया गया है हिंदी वर्जन में। वेल एक्टिंग वाइज भी सैफ की एक्टिंग काफ़ी बेहतरीन थी अन्य मूवी से, ये मूवी में काफ़ी बेहतरीन लगी मुझे सैफ की एक्टिंग। सॉन्ग्स भी अच्छे थे, काफ़ी सूदिंग थे, दिल को छूने वाले थे, बहुत अच्छे थे। जिस तरह से हॉलीवुड की छाप छोड़ पाई, उस तरह से बॉलीवुड की छाप छोड़ पाई? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि ये अमेरिकन मूवी की रीमेक है और हॉलीवुड में ये मूवी काफ़ी अच्छा छाप छोड़ पाई थी, तो उसके मुकाबले ये जो मूवी बनी है वो भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा छाप छोड़ पाई। जी जी बिल्कुल, ये मूवी वन टाइम वॉच है बट बेहतरीन है, तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि ये मूवी देखी जाए। 4। चलो भाई रोल, तुमको भी करना है। हाँ तभी तो मूव किया, ठीक है। अच्छा मेरे को दिखाना है तो ही तो लगा है। चलो एक मिनट बोल, इतना बोल दिया मुझे, कट कर दो वापस। कैसी लगी मूवी? मूवी काफ़ी अच्छी थी, जितनी बारीकी से बताया है कि काफ़ी रिफ्रेशिंग स्टोरी थी, काफ़ी अच्छी थी। हॉलीवुड की रीमेक है जी, हर चीज़ का एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हॉलीवुड अपने जगह पे था और ये अपने जगह पे है, तो काफ़ी बोलते ना जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ट्रेलर को देख के मुझे इतनी कोई वो नहीं लगी थी कन्विंसिंग, बट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई पर्सनली सजेस्ट यू दैट एवरीवन शुड वॉच दिस मूवी बिकॉज इट इज़ अ वेरी कन्विंसिंग स्टोरी। काफ़ी अच्छी थी, कुछ मतलब ठीक है हमने कुछ ज़्यादा शायद एक्सपेक्टेशंस कर लिए थे सैफ से, बट हाँ उन्हें अच्छे से निभा लिया है। सॉन्ग्स इतने ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं हैं, जो भी है वो बैकग्राउंड में है तो उस पर ज़्यादा नहीं, इट्स बेटर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सैफ एंड सैफ्स कुकिंग, सो बेटर टू वॉच दैट। काफ़ी अच्छे से बताई है, जो एक्चुअल बॉन्डिंग होती है वो एकदम रियलिटी, जो तुम रियल लाइफ एंड रियल लाइफ में जैसी है वैसे बताई गई है, तो अच्छी है वो बॉन्डिंग। हाँ एवरीवन शुड वॉच एटलीस्ट वंस इन टाइम। ओके
3.5. सैफ की एक्टिंग बहुत अच्छी है मूवी में, इमोशनल मूवी है, सबको देखनी चाहिए। एक बॉन्डिंग दिखाई है पेरेंट्स की अपने बच्चों के थ्रू। मूवी एक्चुअली ये मूवी हॉलीवुड की रीमेक है, तो रीमेक को वही अपनी तरह से बॉलीवुड की तरह से दिखाया गया है। बहुत अच्छी मूवी है और सबको देखनी भी चाहिए। नहीं, मैं तो मेरी तरफ से तो नहीं हो, क्या कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि हॉलीवुड में कुछ अलग ही बात है और बॉलीवुड के हिसाब से बहुत अच्छी मूवी है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई है, अच्छा लगा मूवी देख के। सॉन्ग्स तो एज कंपेयर कुछ ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं थे, बैकग्राउंड सॉन्ग्स ही थे जो इमोशनली फील दिखाते थे। और मूवी में जो सॉन्ग अच्छे थे, बैकग्राउंड में जो सॉन्ग थे अच्छे थे, इमोशनल थे। बहुत अच्छी है एक्टिंग, बहुत अच्छी लगी बच्चे की भी जो शेफ में है, बहुत अच्छा किरदार निभाया उन्होंने, तो अच्छा लगा देख के मूवी। हाँ हाँ, वन टाइम देखने के लिए मूवी बहुत अच्छी है और सबको देखनी भी चाहिए। मैं सबको सजेस्ट करूँगा एक बार ये मूवी को देखें। आउट ऑफ 3 स्टार्स। थैंक यू। शेफ मूवी अच्छी है, काफ़ी प्यारी है, सबको देखनी चाहिए एक बार। शुरुआत अच्छी हुई जब वो आते हैं अपने परिवार के साथ, थोड़ा समय बिताते हैं, बीच में थोड़ा लगता है लंबी हो गई, बट पूरी तरह से प्यारी मूवी है। सैफ की एक्टिंग अच्छी है और उनको ऐसे रोल्स में भी अगर हो तो ज़्यादा करे तो बेहतर होगा एक हीरो के अलावा। सॉन्ग्स है अच्छे हैं, थोड़े हैं, तीन चार सॉन्ग्स हैं और अच्छे। इतनी ज़्यादा नहीं पर ठीक है, चलता। 3 स्टार। सैफ है ठीक ठाक है, जैसे भी है। है एक्टिंग सही है, देखने में अच्छा लगा, और है कहानी भी सही है उसकी, ठीक ही है। और गाने भी हैं ठीक ठाक, इतने भी इतने ही पर हैं, सही है जो भी हैं। सब अभी 3। देखिए आपने फिल्म कैसी लगी? अच्छी थी मूवी, मेनली अबाउट फादर एंड सन and the relationship how they develop, nothing else, it's a good movie. How was Saif Ali Khan's performance? Yeah, like he played the role of father very nice. I think there was a development in his role, like first he used to do only single films, only lovers and all, but now he has developed his role, nothing else, it was fine. Out of 5, I think I will give 3.5, maybe 4. Thank you. शेफ फिल्म बहुत प्यारी है, सैफ एज अ शेफ बहुत सूट हुए हैं, बहुत कन्विंसिंग है। राजा कृष्ण मेनन से मुझे उम्मीदें थी क्योंकि एयरलिफ्ट बहुत प्यारी उन्होंने फिल्म बनाई थी, और जिस तरह से शेफ में उन्होंने डायरेक्शन किया बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कन्विंसिंग है। द वे सैफ अली खान अपने फादर एज अ फादर सन की बॉन्डिंग, एक्स वाइफ के साथ जो डिवोर्स्ड हैं उनके साथ बॉन्डिंग, बहुत अच्छा, बहुत सटल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर इज वेरी गुड, द फिल्म इज़ गुड। सॉन्ग यू नो आपके ऐसे
फिल्म के साथ घुल जाते हैं. ऐसा नहीं आपको आउटस्टैंडिंग सॉन्ग्स लगेंगे. रघु दीक्षित का बीच में एक सॉन्ग है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सारे सॉन्ग फिल्म के साथ फ्लो में चला जाता है. 3.5 जी बिल्कुल. ये काफ़ी अच्छी मूवी थी, अमेरिकन मूवी जो है शेफ, उसका ये रिमेक था और काफ़ी अच्छी तरह से ये रिमेक किया गया है हिंदी वर्जन में. एक्टिंग वाइज बात करें तो शेफ क्या करेंगे? वेल एक्टिंग वाइज भी सैफ की एक्टिंग काफ़ी बेहतरीन थी अन्य मूवी से. ये मूवी में काफ़ी बेहतरीन लगी मुझे सैफ की एक्टिंग. सॉन्ग्स भी अच्छे थे, काफ़ी सूदिंग थे, दिल को छूने वाले थे, बहुत अच्छे थे. जिस तरह से हॉलीवुड पे छाप छोड़ पाए, उस तरह से बॉलीवुड पे छाप छोड़ पाए. जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि ये अमेरिकन मूवी की रीमेक है और हॉलीवुड में ये मूवी काफ़ी अच्छा छाप छोड़ पाई थी, तो उसके मुकाबले ये जो मूवी बनी है वो भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा छाप छोड़ पाई. जी फ्रेंड्स का, अपने फ्रेंड्स का एडवाइस देंगे? जी बिल्कुल, ये मूवी वन टाइम वॉच है बट बेहतरीन है, तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि ये मूवी देखी जाए. 4